नमस्ते दोस्तों, हमारे इस एस्ट्रोलॉजी चैनल पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम इस हाथ का एनालिसिस करेंगे और जानेंगे क्या क्या विशेषता है इनमें। सबसे पहले बात करेंगे गुरु पर्वत और ये गुरु की उंगली के बारे में। देखिए, इनकी गुरु पर्वत पर देख सकते हैं कि यहाँ पे गुरु मेखला बन रही है। गुरु मेखला जिन व्यक्तियों के हाथों में बनती है, ऐसे व्यक्ति धार्मिक होते हैं, आध्यात्मिक होते हैं। धार्मिक चीज़ों का ज्ञान ऐसे व्यक्ति को बहुत ही ज़्यादा होता है। गुड़ विद्याओं में भी ऐसे व्यक्ति रुचि लेने वाले होते हैं। ऐसे व्यक्ति कॉन्फिडेंट व्यक्ति होते हैं। गुरु पर्वत पर देख कर पता चलता है कि मीडियम लेवल का कॉन्फिडेंस ऐसे व्यक्ति का होता है। उसके साथ ऐसे व्यक्ति को इनबॉर्न लीडर भी ऐसे व्यक्ति होते, तो ओवरऑल पर्सनालिटी वाइज, नेचर वाइज अच्छे होते। समाज में प्रतिष्ठा ऐसे व्यक्ति को मिल जाती है जल्दी। ऐसे इनका हाथ बनता नज़र आ रहा है और यहाँ पे देखिए खड़ी रेखा यहाँ से निकल रही है, तो ऐसे व्यक्ति का जन्म भी प्रतिष्ठित परिवार में होता है। उसके बाद में देखते हैं कि ये देखिए तर्जनी उंगली मिडिल फिंगर की तरफ झुक रही है। दोनों फिंगर एक दूसरे के झुक रही है। देखिए, तर्जनी उंगली जब आपकी मिडिल फिंगर की तरफ झुक रही होती है, अब 100% अगर मेहनत करोगे तो आपको ओनली 60-70% उसका रिजल्ट मिल जाता है। और इनके हाथों में देखिए सूर्य की उंगली, अनामिका उंगली भी अंदर की तरफ झुक रही है। मध्यमा उंगली रिंग फिंगर की तरफ झुक रही है, जिससे क्या होता है कि ऐसे व्यक्ति बहुत सारी चीज़ें जो है वो सीक्रेट तरीके से करते हैं। सीक्रेट तरीके से करना, ऐसे व्यक्ति को देखे गए कि देखिए उनकी तर्जनी उंगली और अनामिका उंगली एक समान नज़र आ रही है। ऐसे में अक्सर देखा गया है कि ऐसे व्यक्ति पे थोड़ा शनि का प्रभाव ज़्यादा होता है। ऐसे व्यक्ति उनके ज़्यादा दोस्त नहीं रहते, कम दोस्त वाले इंसान रहते, कम लोगों के साथ अपनी जो दिल की बात होती है, अपनी जो भी एक्सपीरियंस होती है वो शेयर कर सकते हैं। इंट्रोवर्ट किस्म के व्यक्ति भी ऐसे है। ऐसे मतलब इनके हाथ से पता चलता है कि इंट्रोवर्ट है और काम के प्रति सम्मान वाले ऐसे व्यक्ति रहते हैं, तो ये इनके हाथ में निशान पता चल रहा है। यहाँ पे देखिए काला थोड़ा निशान बनता नज़र आ रहा है। ये दर्शाते हैं कि ऐसे व्यक्ति को पेट संबंधी डाइजेस्टिव रिलेटेड इशू या फिर पेट संबंधी अन्य कोई बीमारी होने के चांसेस इनके हाथ में थोड़े बनते नज़र आ रहे हैं। उसके बाद में देखते हैं कि अंगूठी, इनका हाथ जो है रेक्टेंगुलर शेप का हाथ बनता नज़र आ रहा है। रेक्टेंगुलर शेप के जिन व्यक्तियों के हाथ होते हैं ऐसे व्यक्ति थोड़ा ऐसे व्यक्ति में मेहनत की थोड़ी कम आती है। टैलेंटेड होते हैं व्यक्ति, लेकिन जो मुकाम ये पाना चाहते हैं जीवन में, वो पाने के लिए और ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत होती है। इसमें क्या दिखाई देता है कि ऐसे व्यक्ति ज़्यादा सोचना कृति कम होगी ऐसे व्यक्तियों की। ऐसे व्यक्ति जीवन में मनचाहा मुकाम पा सकते हैं, बस मेहनत करना ऐसे व्यक्ति की फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए। उसके बाद में हम देखते हैं कि इनके हाथ में इनकी मस्तिष्क रेखा, देखिए ये जो रेखा है इसे हम मस्तिष्क रेखा कहते हैं। इस तरह से मस्तिष्क रेखा सीधी चली जा रही है और यहाँ पे आइलैंड का निशान बना रही है। देखिए, आइलैंड का निशान मस्तिष्क रेखा पे बनना बुरी बात है। ऐसे व्यक्ति को मानसिक चिंता बढ़ा देती है, टेंशन बढ़ा देती है, अपने आप पर काबू करना में प्रॉब्लम दे जाती है, और सबसे बड़ी बात व्यक्ति डिसीजन मेकिंग में थोड़ा वीक ऐसे व्यक्ति बन जाता है। कभी कभी आपके माता के साथ रिलेशन भी खराब ऐसे व्यक्ति के हो जाते हैं। उसके बाद में देखिए जीवन रेखा और मस्तिष्क रेखा में गैप बनता नज़र आ रहा है। ऐसे व्यक्ति गुस्से वाले होते हैं। ऐसे व्यक्ति अक्सर देखा गया है कि स्वतंत्र विचारों वाले रहते हैं। रूढ़ी परंपरा जो भी ट्रेडिशनल सोच होती है लोगों की, ऐसे इन व्यक्तियों को ज़्यादा पसंद नहीं आती। और अक्सर देखा गया है कि इनके अपने जो पेरेंट्स होते हैं, खास करके आपके फादर के साथ, घर के बुज़ुर्गों के साथ नहीं बनती, थोड़े मतभिन्नता उनमें होती है, ऐसे इनके हाथों से हमें पता चल रहा है। यहाँ पे आइलैंड की वजह से अक्सर देखा गया है कि आँखों संबंधी प्रॉब्लम, खुद का नाम बनाने में आने वाली दिक्कतें, अड़चने, फेम मिलाने में, ये सारी चीज़ें इनके हाथों से हमें बनती नज़र आ रही हैं। उसके बाद में हम देखते हैं कि इनके हाथ में हृदय रेखा, देखिए हृदय रेखा ये यहाँ पे
हृदय रेखा पे इस तरह से चिन्ह दर्शाते हैं कि इस व्यक्ति को जीवन में सच्चा प्यार मिलने में थोड़ी दिक्कत आती है। सीधी रेखा जहाँ यहाँ पे जा रही है और यहाँ पे वी का सिंबल बन रहा है। एक हृदय रेखा था कि ब्रांच मस्तिष्क रेखा पे जा रही है। हालांकि देखिए मस्तिष्क रेखा सीधी जाने की वजह से ऐसे व्यक्ति लॉजिकल थिंकिंग होती है, लेकिन देखिए हृदय रेखा की एक ब्रांच मस्तिष्क रेखा को काटना मतलब ऐसे व्यक्ति कभी कभी जो निर्णय लेते हैं उसमें इमोशनैलिटी आ जाती है। इस कारण ऐसे व्यक्ति को पैसों के मामले में इनके करीबी लोग, करीबी रिश्तेदार या फिर करीबी दोस्त ऐसे व्यक्ति को धोखा देने का चांस भी बढ़ जाता है। और इस कारण क्या होता है कि इनको धोखा मिल जाता है और लोग इनको बिजनेस में प्रॉब्लम आ जाता है। बिजनेस अगर पार्टनर हो तो उनको वहाँ से भी ऐसे व्यक्ति को धोखा मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। लोग इनके इमोशनैलिटी का फ़ायदा लेते हैं और धन रिलेटेड मैटर में इनको धोखा दे देते हैं। विष्णु सिंबल इनके हृदय रेखा पे बन रहा है जो अच्छा सिंबल माना जाता है धन कमाने के दृष्टिकोण से, और जीवन में ऐसे व्यक्ति आगे बढ़ जाते हैं। उसके बाद में हम देखते हैं कि ये जो पर्वत है इसे हम शनि पर्वत कहते हैं। देखिए शनि पर्वत ज़्यादा फ्लैट नहीं, थोड़ा दबा हुआ है, जिस कारण धन रिलेटेड मैटर में ऐसे व्यक्ति को प्रॉब्लम आने के चांसेस है। लक रिलेटेड मतलब जिस तरह से इनका देखिए जीवन रेखा से ही इनकी हृदय भाग्य रेखा निकल रही है, कट रही है। एक यहाँ से भी चंद्र पर्वत से भी निकल रही है, ऊपर जा रही है, एक ब्रांच इधर की तरफ जा रही है, एक ब्रांच मतलब मल्टीपल सोर्सेस ऑफ इनकम और सोर्सेस ऑफ इनकम बदलते रहेंगे ऐसे इनके हाथों से पता चल रहा है। फैमिली का बहुत बड़ा रोल रहेगा इनका करियर शेप करने में। देख सकते हैं कि अगर इनके घर में बिजनेस चल रहा है तो बिजनेस चलाने में आगे चल के बढ़ेगा। शादी के बाद विशेष रूप से ऐसे लोगों को अपने लेडी लक अपने बीवी से मिलेगा और व्यक्ति ग्रोथ अच्छा कर सकेगा, ऐसे इनके हाथ में योग बन रहा है। ऐसे व्यक्ति ने इनके हाथ के अनुसार ऐसे व्यक्ति ने फॉरेन ट्रेड रिलेटेड चीज़ों से, चंद्र रिलेटेड चीज़ें या फिर फॉरेन ट्रेड रिलेटेड चीज़ों में ऐसे व्यक्ति ने अपना करियर बनाना चाहिए। वहाँ पर ऐसे व्यक्ति को बहुत अच्छी सफलता, मान सम्मान, फेम, नाम ऐसे व्यक्ति का होगा। लेकिन यहाँ पे देखिए चंद्र पर्वत पे क्रॉस का निशान बन रहा है, जिस कारण क्या होता है व्यक्ति अपने विचारों के ऊपर कंट्रोल नहीं कर पाता। इसलिए ऐसे व्यक्ति ने चंद्र रिलेटेड एस्ट्रोलॉजिकल सॉल्यूशन करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, क्योंकि व्यक्ति खुद के ऊपर कंट्रोल नहीं कर पाने की वजह से कभी कभी इनको सुसाइडल थॉट्स भी आ सकते हैं। ये मतलब ये परसेंटेज बहुत कम है, लेकिन सुसाइडल थॉट मतलब क्या कि व्यक्ति ज़्यादा सोचना कृति कम हो सकती है, अपने विचारों को कंट्रोल कर पाने में दिक्कतें आ सकती है। पानी से ऐसे व्यक्ति को धोखा होता है, नींद आने में कभी कभी दिक्कत आती है, डिसीजन मेकिंग पावर गलत हो जाती है, कल्पना शक्ति ज़्यादा हो जाती है। तो ऐसे इनके हाथों में बनते लक्षण नज़र आ रहे हैं। उसके बाद में यह देखिए शुक्र पर्वत बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, उभार है। ऐसे व्यक्ति खुद को अच्छा दिखाने में हमेशा कोशिश करते हैं, अपोजिट सेक्स के प्रति इनको अट्रैक्शन रहता है और ये उसमें सफल भी हो जाते हैं। एनर्जी लेवल इनकी हाई होती है। देखिए ऐसे व्यक्ति ने एडिक्शन से दूर होना चाहिए, जिस तरह से ये बढ़ रहा है। दिल के तो दिलदार रहेंगे, अपने पास पैसे नहीं होंगे फिर भी दूसरों को मदद के लिए तत्पर रहेंगे, लेकिन ये जो है नेगेटिव चीज़ों की तरफ, सट्टाबाजी, जुआ खेलना, ड्रीम इलेवन जैसे प्लेटफॉर्म, नशे की आदत, ड्रिंक स्मोकिंग, ये अगर करेंगे तो उसमें इनका ज़्यादातर टाइम, समय और उसके साथ ही इनकी जो एनर्जी बर्बाद हो जाएगी, धन बर्बाद हो जाएगा। तो इन्होंने अपने करियर के ऊपर ठीक तरह से फोकस करना चाहिए, तभी ये सफलता पा सकते हैं, वरना हेल्थ रिलेटेड इशू भी आ सकते हैं, क्योंकि आगे चल के शुगर और हाइपरटेंशन रिलेटेड भी हमारे इनको होने के चांसेस है। शादी के बाद प्रथम संतान लड़का होने का चिन्ह इनके हाथ में बनता नज़र आ रहा है। अंगूठे से देखिए महत्वाकांक्षा है, लेकिन बहुत ज़्यादा दूसरों की बातों से इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। एडजस्टिव नेचर है, लेकिन बहुत ज़्यादा दूसरों के सामने झुक के रहना, ये इसकी वजह से जीवन में आगे चल के प्रॉब्लम आने के चांसेस इनके हाथ में लग रहे हैं। उसके बाद में देखते हैं कि इनके हाथ में यहाँ से एक रेखा ऊपर की तरफ, मतलब फैमिली से ऐसे व्यक्ति को पैतृक संपत्ति मिलने के योग हाथ में बन रहे हैं। और वहाँ पे भी देखिए
मछली का चिन्ह बन रहा है। तो इनिशियल स्ट्रगल के बाद ऐसे व्यक्ति ने देखिए लैंड रिलेटेड सेक्टर में खरीद फिरोख में ऐसे व्यक्ति बहुत ही ज़्यादा रूप से धन कमा सकता है। ये भी इनके हाथ में योग बनता नज़र आ रहे हैं। दुश्मनी इनके हाथ में दिखाई दे रही है जो इनको पीछे खींचने में रहेगी। उसके बाद में देखिए चंद्र बुध पर्वत, देखिए बुध पर्वत का एरिया अच्छा है, मनी मैनेजमेंट बिजनेस माइंड ऐसे व्यक्ति का अच्छा है, बोलने की शक्ति हमें अच्छी बुध पर्वत देता है। लेकिन ये जो छोटी उंगली है वो ज़्यादा लंबी ना होने के कारण जो भी बुध के अच्छे गुण होने चाहिए, बुद्धिमत्ता वगैरह, ये सारी चीज़ें, वक्तृत्व शैली, इसमें थोड़ी गिरावट आ जाती है। ये एनर्जी बढ़ाने के लिए सॉल्यूशन करना ऐसे व्यक्ति ने अनिवार्य हो जाता है, तभी ऐसे व्यक्ति बिजनेस में सफलता पा लेते हैं, वरना इनिशियल स्टेज में ऐसे व्यक्ति को स्ट्रगल का सामना ज़्यादा करना पड़ सकता है। सूर्य पर्वत, देखिए सूर्य की उंगली जो है एक दुखी के सूर्य की उंगली और शनि की उंगली एक दूसरे की तरफ झुकी हुई होने की वजह से एक दूसरे की एनर्जी को अफेक्ट कर जाती है। उसके कारण सूर्य पर्वत ज़्यादा अच्छा होने के बावजूद व्यक्ति को उतना चाहे जितना डिजर्व करते हो उतना फेम ऐसे व्यक्ति को नहीं मिलता। फॉर्मल एजुकेशन अच्छा रहेगा, हाथ में दिखता है। और देखिए सूर्य रेखा उतनी ज़्यादा यहाँ से सूर्य रेखा बनती नज़र आ रही है लेकिन उसके आगे नहीं, तो करियर ऐसे व्यक्ति का थोड़ा बनने में थोड़ा समय लग सकता है ऐसे इनके हाथों से पता चल रहा है। देखिए इनके जीवन में पीक कब आएगा, देखिए इनके हाथों में जीवन रेखा शुरुआती के दिनों में व्यक्ति की तबीयत थोड़ी कमज़ोर रहेगी ऐसे लगता है। उसके बाद अप्स एंड डाउन जीवन में आएंगे, इनके जीवन रेखा से हमें पता चलता है। लेकिन इनके देखिए पीक, देखिए यहाँ पे मछली का चिन्ह कब बन रहा है, लगभग 45 के बाद ऐसे व्यक्ति जीवन में पीक पा सकते हैं। मछली का चिन्ह जीवन में बहुत ही ज़्यादा तरक्की दिलाएगा, धन के मामले में, रिलेशनशिप के मामले में और हेल्थ के मामले में। ये बहुत ही अच्छा शुभ संकेत है, ऐसे व्यक्ति जीवन में मन चाह मुकाम उस समय में पा सकते हो। और ये एक राजयोग जैसा ही चिन्ह है, व्यक्ति को बहुत ही आरामदायक, सुखदायक और धनदायक जीवन प्रदान करता है। और उसके साथ ही उसकी ब्रांच एक केतु पर्वत की तरफ जाने की वजह से ऐसे व्यक्ति जीवन में आध्यात्मिकता की तरफ झुक जाते हैं एज के साथ, और ऐसे व्यक्ति को मुक्ति मिलने की भी उस तरफ उनकी आध्यात्मिकता बढ़ जाती है। धन्यवाद दोस्तों।